करनाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर में प्रत्येक दिन कोई ना कोई चोरी की वारदात होती जा रही है, जिसके चलते आज पुरानी अनाज मंडी के समीप गोपीनाथ एंड सन्स बारदाने की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर अपने साथ 1.25 लाख के करीब नकदी चोरी करने के बाद फरार हो गए। दुकान के मालिक ब्रिजमोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर छत के रास्ते से दुकान में घुसे एवं दुकान में रखी नकदी पर हाथ साफ कर गए। मौके पर FSL की टीम ने आकर फिंगरप्रिंट लिए एवं अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पुरानी अनाज मंडी मार्केट कमेटी रोड पर अज्ञात चोरों द्वारा एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहां हम आपको बता दें कि एक दिन पहले भी यहां SBI बैंक में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बारदाने की दुकान है, यहाँ पे हमें सूचना मिली थी चोरी हुई, अभी एक्सपर्ट आए हुए हैं। चोरों की संभावना, ऊपर दरवाजा खुला हुआ था, वहां से आए हैं। बाहर वाला शटर जो था वो बंद था। तो अभी जांच जारी है, जो भी सबूत आएंगे, जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। कितने अमाउंट तक की चोरी की? अभी 1.25 लाख के आसपास के अमाउंट के सामने बात आई है। पूरी जांच करने के बाद ही बात का क्लियर पता चला। FSL की टीम आ गई, FSL की टीम आई हुई है, वो अपना काम कर रही है। कोशिश करेंगे कोई फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट कुछ मिल जाए, हमें जांच जा रही है। सुबह दुकान पे आए जी, तब पता लगा कि भी रात को चोर अंदर ही अलमारी वगैरह ताला वगैरह सब टूटे हुए थे। नकदी वो यहाँ से ले गए हैं, और तो कोई उन्होंने सब सामान सामान तो सब बिखरा पड़ा है। पर्स में पैसे पड़े थे, लोक में पड़े थे, बाहर लोक में थे। लगभग 1.25 लाख रुपए की करीब नकदी वो रात को उठा के ले गए। कहाँ से आए चोर? चोर ऊपर से आए, पीछे आगे तो हमारा रिमोट से शटर लगा हुआ तो खोल ही नहीं सकता, और इसीलिए हमें ये था कि भाई हमारा भी शटर तो टूटेगा ही, तो हमारा थोड़ा बहुत कैश रह जाता है, कभी ले जाते हैं कभी रह जाता है। कुदरती रात हो रह गया यहाँ पे, रात को जाते जाते भी 37,000 मिठाई वाला ले गया यहाँ से। वो भी गए थे। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए? नहीं, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए जी, कोई काम को इतना नहीं पड़ता कैश का। क्या नाम आपका? ब्रिजमोहन। दुकान का क्या नाम? गोपी राम एंड सन्स। किस चीज की दुकान है ये? अपनी बारदाने की दुकान है जी। कहाँ पे है दुकान? है दुकान ये मार्केट कमेटी रोड, गौशाला रोड पे, सैनी समाज भवन के बिल्कुल अपोजिट हमारी शॉप है। और परसों रात भी यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मतलब चोरी हुई है, वहाँ के भी कल उन्होंने मतलब एंटर हुए थे बैंक में, लेकिन वहाँ से नहीं उनको कुछ मिला। और ये चोरी की वारदातें रोज बढ़ती जा रही है, मतलब हमारे यहाँ रोड पे तो तकरीबन सभी टूटता है। गोदामों में भी रोज कभी मोटर निकाल के ले गए, कभी जनरेटर निकाल के, छोटी मोटी तो हमारे देते हैं, हमने कभी वो करा ही नहीं। पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको, हम तो कह रहे हैं चलो चोर पकड़े जाए तो ताकि दूसरों को भी कान हो सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.